लिए। भगवान योगी राज कृष्ण को यह मालूम पड़ गया कि पांडव का राज रात में शिविर में अगर विश्राम किया तो पांडव मारे जाएंगे, तो रात में ही भगवान कन्हैया पांडवों के पास में पहुंचे, जवाब दिया है आप हमारे साथ में शीघ्र ही गंगा क्षेत्र के लिए चलो। अगर भगवान कृष्ण पांडवों से कहते थे किसी काम के लिए तो पांडव मना नहीं करते थे। पांडव तैयार हुए, पांडवों के पांच पुत्र भी सो रहे थे, पांचों पुत्रों से कहा आप भी हमारे साथ में चले। पांचों पुत्र कहने लगे कन्हैया न तुम्हें नींद आती है न तुम कभी थकते हो, सोने का समय है, कितनी अच्छी नींद आ रही है, हैं? पिताजी को ले जाओ, हम तो कहीं नहीं जाने के, हम तो सो रहे हैं, मना कर दिया। भगवान कन्हैया पांडवों को लेके चले गए। पांडवों के पांचों पुत्र उसी शिविर में लेटे हुए हैं। अश्वत्थामा रात में आया और नहीं पहचान सका ये पांडव या पांडवों के पांचों पुत्र हैं, एक जैसा चेहरा। इधर दुष्ट अश्वत्थामा ने पांचों पुत्रों के सर काट लिए और पांचों पुत्रों के सर काट के वहां से लेकर चला दुर्योधन के पास पहुंच गया। इधर दुर्योधन के पास में पहुंचा है, दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा सर लेके आए, जवाब दिया हां महाराज। दुर्योधन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि जीवन में इतना खुशी कभी नहीं हुआ था। दुर्योधन ने जवाब दिया कि भीम का शीश तू मेरे हाथ में थमा दे, क्योंकि भीम नहीं तो हमारी ये गति की है। भीम का तो सर नहीं था, भीम का पुत्र सुतसेन, बड़ा सर, बड़े बड़े नेत्र, और वही भीम का पुत्र का जो सर था वही अश्वत्थामा के हाथ में थमा दी, वो दुर्योधन के हाथ में थमा दिया। दुर्योधन उसे देखता रहा और क्रोध की ज्वाला में दोनों हथेलियों की जैसे ही दाब लगाई और दोनों हथेलियों से दबाया तो वो सर फूट गया। दुर्योधन को शंका हो गई कि भीम का सर इतनी आसानी से नहीं फूट सकता। अंत में मालूम पड़ा कि अश्वत्थामा तेने तो धोखा कर दिया, ये पांडवों के सर नहीं है, पांडवों के बच्चों के सर हैं। तो दुर्योधन उतना ही कष्ट हुआ और दुर्योधन इतना दुखी हुआ, कहा दुष्ट अश्वत्थामा तू मेरे आंखों के सामने से चला जा, तेने तो मेरे वंश की बेल ही नष्ट कर दी। दुख और सुख समान हुए, दुर्योधन का प्राणांत हो जाता। अब थोड़ा उधर देखते हैं, द्रौपदी ने देखा सूर्य निकले आए, मेरे पुत्र सुबह प्रातः काल में जग जाते थे लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं जगे। मैया द्रौपदी जैसी शिविर में आई, देखा है पांचों पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, आज मैया द्रौपदी पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा ही नहीं कि ढेरों में खून और बह रहा था और हरि अपला खड़ी रो रही, द्रौपदी रो रही है, तेरों में रक्त बह रहा है। मैया कभी किसी बच्चे का धड़ अपनी छाती से लगाती है तो कभी किसी पुत्र का धड़ उठाती है। तेरों में खून बह रहा था अरे अब ना खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही।
द्रौपदी रो रही, भगवान कन्हैया पांडवों को लेके आ गए और द्रौपदी ने जैसे कृष्ण की तरफ देखा है तो आज भाइयों तड़प तड़प के रोने लगी। भगवान कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, कृष्ण तुम्हारे खेल में अगर कोई और कसर बाकी रह गई हो तो उसे और कर लीजिए कन्हैया, तुमने मुझे निपुती बना दी। अतबाइस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। इस तरह से द्रौपदी जब बिलखने लगी है भगवान कन्हैया कहने लगे, द्रौपदी किसी के भाग्य के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हारे पुत्रों से कहा था लेकिन तुम्हारे पुत्र नहीं माने। लेकिन द्रौपदी अच्छा हुआ जो तुम आज निपुती हो, लेकिन तुम्हारे पति अगर शिविर में आज होते तो आज तुम्हें वैधव्य कारण देखना पड़ता। अर्जुन ने कहा, आप चिंता न करें, तुम्हारे पुत्रों का हत्यार अगर कहीं होगा उसे मैं पाताल में से भी खोद के ले आऊंगा। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन रथ लेके गए हैं, अश्वत्थामा को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा, रथ से बांध के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन कहने लगे, भद्रे तुम्हारे पांच पुत्रों का यह हत्यारा सामने खड़ा हुआ है, बताओ तो इसके टुकड़े टुकड़े करवा दो, तुम बताओ तो इसके बदन की चमड़ी निकलवा के भूस भरवा दें। द्रौपदी तुम क्या चाहती हो? वो बधुआ सा अश्वत्थामा, दीन ब्राह्मण जैसा बधा पड़ा हुआ है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा अश्वत्थामा की तरफ तो द्रौपदी को अपने पुत्रों की याद आ गई, मेरे पांच पुत्र मारे इस दुष्ट ने और जो इसकी मां है वो विधवा हो चुकी है क्योंकि द्रोणाचार्य मारे जा चुके थे। अगर मैंने इसे मरवा दिया तो इसकी मां तड़प तड़प के मर जाएगी। मां की ममता पुत्र के प्रति कैसी होती है ये तो हमें मालूम है, लेकिन आज मेरे पुत्र नहीं है लेकिन मेरे पति मौजूद हैं। लेकिन आज अगर इसे मार दिया तो इसकी मां खत्म हो जाएगी। मेरे भगवत श्रोताओं, द्रौपदी से जब पूछा अर्जुन ने, बताओ क्या करें, भगवान कृष्ण भी समझाते हैं द्रौपदी, अरे तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा आए और हत्यारे को माफ करना नहीं चाहिए, बताओ। द्रौपदी कहने लगी, कृष्ण अगर देना चाहते हो तो इस अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांग रही है। भगवान कन्हैया चकित रह गए, द्रौपदी तुम क्या कह रही हो, हत्यारे के प्राणों की भीख मांग रही हो? अरे द्रौपदी विचार करो, यह हत्यारा है। द्रौपदी कहने लगी, कृष्ण मैं इस ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांग रही हूं, अगर तुम इसे मार दोगे तो ये ब्राह्मण है ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसकी मां विधवा है वो तड़प तड़प के मर जाएगी। भगवान कन्हैया कहने लगे कि धन्य है द्रौपदी, धन्य है तुम्हारे जैसी अबलाओं को, आरे धरणी करणी और है
बलवानों की करी इज्जत है, तुम जैसी ही अबुलाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, द्रौपदी अगर ये पृथ्वी टिकी हुई है तो तुम्हारे जैसी महिलाओं के ऊपर। लोग कहते हैं कि पृथ्वी के धर्म के खम के पृथ्वी धुरी पर टिकी हुई है, लेकिन वो धर्म की धुरी तुम हो। तुम केवल मैं मांग रही हूं तो इस ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांग रही हूं। अर्जुन कहने लगे, कन्हैया तुम क्या चाहते हो? कन्हैया कहने लगे, हम तो ये चाहते हैं कि इसे छोड़ो भी मत, क्योंकि हत्यारा है, इसने जुर्म किया है, तो इसे छोड़ा भी नहीं जाए और इसे मारो भी मत। पांडव बड़े चक्कर में पड़ गए, कन्हैया ये तो अजीब बात है, इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत, ये कैसा न्याय है? कन्हैया कहने लगे, इसके मस्तिष्क में है तेजोमयी मड़, उस मड़ को निकाल लो, मस्तिष्क चीर के और अपमान करके इसे भेज दीजिए, और ब्राह्मण का अपमान करना मरने से भी बेहतर होता है। ब्राह्मण का अपमान मरने के समान होता है, और इसके जो मस्तिष्क में मड़े हैं उसे निकाल लो, जिस तरह से मड़ विहीन सर्प फन पटक पटक के मर जाता है, पही गति अश्वस्थामा की। अश्वस्थामा के मस्तिष्क को चीर के मड़ निकाल ली और अश्वस्थामा को वहां से छोड़ दिया। और ये हमारे पास में ये 50 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान ओमकार यादव देबरी, 50 रुपए दिनेश यादव बैनामा लेखक देबरी, और ये 50 रुपए भीमसेन यादव देबरी, और लिख रहे हैं आला में छाप लगानी है। बिना तलवार के समय मानोगे ना मेरे भगवत श्रोता, इधर अश्वस्थामा को जब छोड़ दिया है, अब अश्वस्थामा विचार करने लगा, पांडवों के वंश में कोई और तो अंकुर उगने वाला नहीं है, मैंने पांडवों की बेल तो नष्ट करी ही थी, तो अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी वो गर्भवती थी। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह की लड़ाई में मारा जा चुका था, अब इस दुष्ट बेईमान को फिर भी चैन नहीं पड़ा और इसने एक ऐसा विषम बाण उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया, जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उस बालक को वो बाण जलाने लगा। उत्तरा चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे माधव मेरी रक्षा करो, न मालूम अंदर ही अंदर मेरा बालक कौन किस तरह से जल रहा है। उत्तरा रो रही है, ऐसा ही नहीं कि हाय हाय मोहने, हाय हाय मामा,
और उदासी पर आदि दया की ने इधर शिविर में है, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो रो रही है, कृष्ण को बुला रही है, कृष्ण रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरा जीवन ले लीजे पर मेरा पाल अमर की ने इधर उत्तरा तड़प रही है, भगवान कन्हैया को पुकार रही है। भगवान कृष्ण के कानों में जैसी आवाज पड़ी, ऐसा ही नहीं, मेरे भक्त श्रोताओं, जब उत्तरा चीखने लगी है, चिल्लाने लगी है, भगवान कन्हैया के कानों में उत्तरा की ये करोड़ क्रंदन भरी पुकार जब पड़ी है, तो भगवान कन्हैया दौड़ के आए हैं। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, जो बालक पल रहा था, वो जलकर भस्म हो गया था। कन्हैया ने देखा है कि बालक जल चुका है, पांडवों का तो वंश ही नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कन्हैया ने उत्तरा से कहा है, बेटी तुम थोड़े समय के लिए अपने हृदय में मात्र भाव प्रकट करो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में हमें जाना पड़ेगा। वैसे भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, भगवान राम कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में नहीं गए, केवल आभास करा दिया था, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान तो प्रकट हुआ करते। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, गए हैं तो उत्तरा के गर्भ में गए हैं। उस गर्भ में जो बालक जल गया था, उस जीव में जीवन दान डालने के लिए, इस तरह से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है परमात्मा ने। अब देखते हैं, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है,
उत्तरा के गर्भ से एक बालक हुआ। पांडवों को बड़ी खुशी भई, क्योंकि वंश चलने के लिए केवल बालक हुआ, वैसे तो वंश नष्ट ही हो चुका था। तो पांडवों को बहुत बड़ी खुशी हुई है। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया और विद्वान ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रखा गया है विष्णुराग। क्या नाम रखा? विष्णुराग। अब विष्णुराग धीरे 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 बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे हैं तो विष्णुराग एकांत में बैठ जाते हैं, ये परीक्षण करते हैं कि मैंने अपनी मां के गर्भ में वो चार भुजाओं वाला जिसके हाथ में शंख चक्र पद्म, वो कौन था? घुंघराले बाल थे, मस्तिष्क पर तेज था, जिसने मेरी रक्षा की, वो कौन था? तो विष्णुराग एकांत में बैठ के ये परीक्षण करने लगे। विद्वान ब्राह्मणों ने जब देखा कि ये बालक एकांत में बैठ के परीक्षण करता है, तो इसका नाम भी हम परीक्षत रख रहे हैं। उसके बाद में नाम पड़ा है क्या? परीक्षत। वो ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि मां के गर्भ में बालक उल्टा लटका होता है, और सबसे बड़ा नरक मां के गर्भ के अंदर बताया गया है कि सबसे बड़ा नरक मां के गर्भ के अंदर है, जो विषम वेदनाओं को बालक सहन करता है। ये माताएं खट्टी मीठी चीजें खाती हैं, छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं गर्भ के अंदर, वो कीड़े जब बच्चे को काटते हैं तो वो बालक तड़पता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु कैसे अब की बार तू मेरा उद्धार कर दे, जन्म लेते लेते मैं तेरे नाम की झड़ी लगा दूंगा। तो उस वक्त रक्षा कौन करता है? परमात्मा। तो जिस गर्भ में जिस जीव की रक्षा परमात्मा ने की हो, वही जीव परीक्षित है, वही जीव परीक्षित है। आप लोग ये मत समझना कि वो द्वापर वाले परीक्षित थे या इन्हें कथा सुनाने के लिए परीक्षित बना दिया तो यही परीक्षित है। यानी हम तुम सभी परीक्षित हो, हमें तुम यानी सब परीक्षित हो, और सब कोई कथा श्रवण करनी चाहिए। परीक्षित को श्राप लगा हुआ था किनका? श्रृंगी ऋषि का। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हें तक्षक रूपी काला सर्प डस लेगा सातवें दिन और तुम मर जाओगे। तो हमें तुम्हें भी श्राप लगा हुआ है, और डर किसका है? इस कलयुग रूपी काले सर्प का। इस कलयुग से बचने के लिए भगवान की ये आनंदमयी कथा बताई। केवल इस कथा को श्रवण करने से ही पाप नष्ट हो जाते। तो भाइयों, परीक्षित जी का जन्म हुआ है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए तो गुरु धन्वंतर के यहां पर विद्या ग्रहण करने लगे, और जब विद्या ग्रहण करने के बाद में निपुण हुए, वासुकी की बेटी नवलदे के साथ में विवाह हुआ, और विवाह कराने के बाद में पांडव बड़े प्रेम से रह रहे थे, लेकिन चौथा बना गया भगवान कन्हैया अपने धाम के लिए जा रहे थे, तो अर्जुन को संकेत किया है कि अर्जुन तुम अपने भाइयों को समझा देना, पांचों पांडव तुम हिमालय की बर्फ में गल जाओ, क्योंकि द्वापर का अंतिम समय है, कलयुग आने वाला है। तो द्वापर के अंतिम समय में, और जब महाराज परीक्षित राजा बने, और राजा बनने के बाद में पांडव जब हिमालय के लिए गए हैं परीक्षित को राजा बनाने के बाद में, तब उस समय कौन सा था जब पांडव हिमालय के लिए गए थे परीक्षित को राज्य देने के बाद? तो बताया कि वो समय कौन सा था? द्वापुर का
जयंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। बताया।